7 और अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में मस्जिदों के नाम पर अवैध निर्माण या फिर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के पंजीकरण के मुद्दे पर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी सवालों में है। प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय विशेष स्थिति और इसके स्थानीय असर को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो साल 2001 से लेकर साल 2011 तक जो हिमाचल में जो मुस्लिम आबादी है, जो समुदाय विशेष की आबादी है, उसमें इजाफा करीब करीब 20 से 25 फीसदी तक का हुआ है। सवाल जो उठ रहे हैं वो इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो बाहर से लोग हिमाचल में आते हैं उनका कोई डेटा बैंक तैयार क्यों नहीं किया जा रहा। जो मुद्दा कभी मस्जिद के अवैध निर्माण के आरोपों तक सीमित था, वो मुद्दा आज प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच और उनके औपचारिक पंजीकरण की जरूरत तक पहुंच गया है। अब आवाज ये उठ रही है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों, खासकर समुदाय विशेष पर सरकार नजर रखे और उनका एक सही रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए उनकी निगरानी करे। हिमाचल में साल 2001 में समुदाय विशेष की कुल आबादी करीब 1,20,000 तक थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आबादी 10 साल में 1.5 लाख भी पार कर गई। 2001 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन करें तो अनुमान है कि 2024 तक की आबादी करीब 2 लाख तक पहुंच गई है। इसे लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरोप है कि सरकार के पास बाहर से आने वाले लोगों का कोई डेटा नहीं है और उनका कोई पंजीकरण भी नहीं होता। सिर्फ मस्जिदों की बात करें तो हिंदू जागरण मंच के मुताबिक हिमाचल में मस्जिदों की कुल संख्या करीब 520 है। इसमें भी कोरोना काल में ही महज 100 से ज्यादा मस्जिदों का अचानक निर्माण कर दिया गया। हिंदू जागरण मंच ने यह भी दावा किया कि सिर्फ अकेले सिरमौर जिले में ही 130 से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया और कुछ का निर्माण अभी भी जारी है। मंच के मुताबिक हिमाचल में जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें ज्यादातर मस्जिदों के मौलवी गैर हिमाचली हैं, यानी वो जो हिमाचल के बाहर से आए हैं। मंडी में स्थानीय लोगों और हिंदू जागरण मंच ने ये तक दावा किया है कि स्थानीय कथित विवादित मस्जिद के आसपास अगर खुदाई की जाए तो वहां हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के अवशेष मिलेंगे। प्रवासी जब ये मौलवी यहाँ पर आए तो उन्होंने इसको कब्जा करके ये मस्जिद का स्वरूप दे दिया। हमारा विरोध है, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस जगह पर जब PWD सड़क चौड़ी करे उससे पहले 5-7-10 फीट तक इसके खुदाई करके पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में और यहाँ पर हमारे हिंदू मंदिर के अवशेष यहाँ पर होंगे। इधर शिमला में संजौली के बाद कसुम्पटी में भी एक स्थानीय मस्जिद को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। आरोप है कि यहां अवैध निर्माण को लेकर 1 साल पहले नगर निगम कोर्ट फैसला दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और अब वक्फ बोर्ड ने कमिश्नर कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दे रखी है। हमारा एक ही डिमांड है कि इस जो अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, क्योंकि वहीं छोटा शिमला में कम से कम आधा घंटा भी नहीं लगता, वहीं इनकी मस्जिद है, वहाँ आप लोग जाए नमाज पढ़े, हमें किसी के धार्मिक जो आस्था है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती मस्जिदों की संख्या कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करती है कि हिमाचल जैसे हिंदू बाहुल्य राज्य में भी मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से आबादी के साथ साथ धर्म के नाम पर जमीनों पर कब्जों के आरोप लग रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इनके जो वजह है प्रोटेस्ट की वो ये भी है कि बाहरी राज्यों से जो लोग हिमाचल में आते हैं उनका कोई रिकॉर्ड सरकार नहीं रखती और स्थानीय लोग जो वहाँ के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, छोटा मोटा कामकाज करते हैं, उनको इसकी वजह से ना सिर्फ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है बल्कि स्थानीय माहौल भी वहाँ का जो है वो ख़राब होता है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। शिमला से DD News के लिए कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश।